एक ऐसा जबाज सैनिक जिसका देश जंग हार चुका था, लेकिन उसे सूचना नहीं मिली और 29 साल बाद भी वह अपने कमांडर का आदेश मानते हुए युद्ध करता रहा। ऐसा इतिहास में दूसरा कोई सच्ची कहानी देखने और सुनने को नहीं मिलती। ऐसा वीरता और साहस की ऐसी कहानी जिसने इस मिलिट्री कमांडर को जीते जी किंवदंती बना दिया, जो अपने देश के लिए नायक बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्ट्रगल एंड साइन। मुश्किल समय में जो लोग साहस वीरता का परिचय देते हैं वही इतिहास लिखते हैं। युद्ध हथियार और रणनीति से जीती जाती है, लेकिन जंग जीतने का दूसरा रास्ता साहस से ही तय होता है। साल 1949 दूसरा विश्व युद्ध अपने परिणाम की तरफ बढ़ रहा था। पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका जापान को सबक सिखाने की तैयारी में था। 26 दिसंबर 1944 को जापानी इंपीरियल आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट, जिनका नाम था हिरू ओनिडा, उनको फिलीपींस में लुबांग के छोटे से द्वीप पर भेजा गया। उन्हें आदेश दिया गया कि जितना संभव हो सके अमेरिकी सेना के मूवमेंट को रोकना है, जंग जारी रखनी है, कभी सरेंडर नहीं करना है। अमेरिकी सेना ने पूरी ताकत से हमला किया और फरवरी 1945 में लुबांग द्वीप पर कब्जा कर लिया। बहुत से जापानी सैनिक या तो मारे गए या उन्होंने सरेंडर करना कर दिया, लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट हिरू ओनिडा और उनके तीनों साथी किसी तरह जंगल में छिप गए। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों और उनका साथ दे रहे स्थानीय सैनिकों के खिलाफ गुरिल्ला जंग छेड़ दी। वे उनकी सप्लाई लाइन पर हमला करते तो कभी भटके सैनिकों तो कभी सैन्य टुकड़ियों पर हमला करते। उसी साल अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और जापान को सरेंडर करना पड़ा। इसी के साथ दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति का ऐलान हो गया। हालांकि अभी भी हजारों जापानी सैनिक प्रशांत महासागर के द्वीपों में बिखरे पड़े थे और ज़्यादातर हिरू ओनिडा की तरह जंगल में ही छिपे थे। उस समय संचार के साधन इतने डेवलप नहीं थे, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि युद्ध समाप्त हो चुकी है। ये पहले की तरह ही हमला और लूटपाट करते थे। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की फौज ने जापानी फौज एवं सरकार के साथ मिलकर फिलीपींस के जंगलों में हजारों पर्चियां गिराई, जिसमें लिखा था कि युद्ध खत्म हो चुका है और अब सैनिकों को अपने अपने घर वापस लौटना चाहिए। लेकिन हिरू ओनिडा और उनके आदमियों ने इन पर्चियों को पढ़ा, लेकिन तय किया कि ये पर्चियां झूठी हैं और हमें जंगल से बाहर निकालने की अमेरिकी फौज की कोई चाल है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और उन्होंने पहले की तरह छिपकर हमला जारी रखा। 5 साल बीत गए, पर्चियां बटनी बंद हो गईं और ज़्यादातर अमेरिकी फौज अपने देश वापस लौट गईं और लुबांग के लोग अपने खेती बाड़ी और अपने काम में लग गए। लेकिन हिरू ओनिडा की टीम जंग की मोड में बनी रही और जो मिलता उस पर हमला करते। परेशान होकर फिलीपींस की सरकार ने नई पर्चियां छपवाकर उन्हें जंगल में गिरवाया, जिसमें लिखा था, बाहर आ जाओ, युद्ध खत्म हो चुका है, तुम लोग हार गए हो। हिरू ओनिडा और उनके लोगों ने इन पर्चियों को फिर से झूठ समझा और हमले जारी रखे। युद्ध समाप्ति के 7 साल बाद 1952 में जापानी सरकार ने आखिरी कोशिश की अपने छिपे सैनिकों को बाहर लाने की। इस बार गुमशुदा सैनिकों के परिवार की तस्वीर और उन्हीं का संदेश छापकर बंटवाई गई। साथ ही उसमें सम्राट की तरफ से एक निजी संदेश भी था। एक बार फिर हिरू ओनिडा ने इस संदेश को भी
सच मानने से इनकार कर दिया और इसे अमेरिकी सेना की कोई नई चाल मान लिया और हमला जारी रखा। कुछ साल और गुजर गए। उनके आतंक से डरे फिलीपींस के स्थानीय लोगों ने उनका सामना करने के लिए हथियार उठा लिया। साल 1959 तक हिरू ओनिडा के एक आदमी मारा गया और दूसरे ने समर्पण कर दिया। हिरू ओनिडा, जो अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी लुबांग के जंगलों में बिता चुके थे, अब बिल्कुल अकेले रह गए, लेकिन वह जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। साल 1972 में जब उनके आखिरी साथी कोजुका की मौत की खबर जापान पहुंची, तो वहां हलचल सी मच गई। जंग हारने के 25 साल बाद भी जापान के लिए लड़ रहे अपने सैनिकों में जापान के लोगों को हीरो दिखने लगा। लोगों एवं सरकार की ये उम्मीद जगी कि उनका लेफ्टिनेंट हिरू ओनिडा अभी भी मैदान में डटा होगा। जापान सरकार ने अपने खोजी दस्ता जंगल में भेजा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरे जापान में हिरू ओनिडा अब हीरो बन चुके थे। लोग उनको नायक मानने लगे थे। जापान में एक युवक था नोरियो सुजुकी, जो रोमांच एवं खोज में रुचि रखता था। उसने फिलीपींस के जंगलों में लगातार खोजी अभियान चलाकर हिरू ओनिडा का पता लगा लिया। उससे बातचीत में हिरू ओनिडा ने साफ कहा कि उसे सरेंडर नहीं करने का आदेश मिला था और वह उसका पालन कर रहा था। नोरियो सुजुकी ने जापान युद्ध की सच्चाई और जापान के लोगों की राय हिरू ओनिडा को सुनाई, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ। लेकिन हिरू ओनिडा सरेंडर करने को फिर भी तैयार नहीं थे। फिर जिस जापानी कमांडर ने उन्हें आदेश देकर युद्ध में भेजा था, जो रिटायर्ड होकर बुक सेलर का काम कर रहे थे, उन्हें जापानी सेना ने फिलीपींस के जंगल में भेजा। उसके आदेश के बाद हिरू ओनिडा ने फिलीपींस सरकार के सामने सरेंडर किया। फिलीपींस की सरकार ने वार रूल के तहत उन्हें माफ़ी दे दी और जापान वापस जाने दिया। 18 साल की उम्र में सैनिक बने हिरू ओनिडा जब 29 साल गुरिल्ला वार लड़कर जंगल से निकले, तो उनकी उम्र थी 52 साल। पूरे जापान में इस हीरो का स्वागत किया और इसे सेलिब्रिटी बना दिया। उन्होंने एक किताब नो सरेंडर माई 30 ईयर वार लिखी। 2014 में 91 साल की उम्र में टोक्यो में हिरू ओनिडा का निधन हो गया और यह वीर सिपाही सदा सदा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, तो ये थी एक ऐसे सैनिक, एक ऐसे योद्धा की कहानी, जो वार ख़त्म होने के बाद भी 29 साल तक युद्ध के मैदान में लड़ते रहा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं दोस्त नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।